बच्चा, अरे ज्योति ज्योति, 50 35 35 हाँ 35 रुपया एक, 235 दो, 35 ढाई और 235 जोधपुर जीरा मंडी के अंदर जो है भाव लाइव चल रहे हैं और यहाँ पर किसान और व्यापारी सभी खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में जीरा इस सब सौंफ इनके क्या भाव रह सकते हैं। 24,000 रुपया 24,000 1 24,000 2 राम राम जी, कहीं नाम? राम जी, कहीं नाम है? नाम शंकर राव। शंकर जी, आप व्यापारी हो? किसान है। किसान हो? की करे भाव? भाव ठीक है। ठीक है, कहीं चाल जीरे भाव? जीरे भाव 240-250 240-250 मतलब वो किसान हम जो और खुल रखो 24-25 है 22 नीचे मीडियम 22,000 रुपया है, ऊपर ऊपर गई है 24,000 रुपया 24,000 किसान का ही मानो की करे भाव? नहीं किसान आ रहा तुझे 500 रुपये के तो ठीक है, 250 रुपये के तो ठीक है, तो ठीक ही करे खर्चो लगा पैदा करिए लगान तो करिए रोज रखे बराबर भाव थोड़ी रहे। अच्छा, तो अभी मतलब एवरेज देखा तो की करे? नहीं ठीक है, अब सामान्य बाजार है। सामान्य बाजार कहीं लागे? अवना टाइम, अवना टाइम थोड़ी बहुत और गुंजाइश लगे, गुंजाइश लगे और भी है अटके लोग। आप लोग कहीं नाम है सर? मुड़ा राम जी। क्यों हुआ? किरमिर जीरो ले रहे हैं? थोड़ी काम आया। अच्छा, आप लोग कहीं नाम है सर? मारना केवल राम है साहब, किसान हूँ मैं, नेवर रोड। अच्छा, नेवरे का हो? ठीक है, केवल राम जी कहीं भाव है? ठीक है साहब, ताकत अगर माल आवे जाना तो हौली बिके, हलो माल आप देना व्यापारी को साहब मामलो है गड़बड़ा। अच्छा, किसानों ने एक हाथ नहीं उलझना हो गया, पर भाव डबे में तेज एक दूर के हंगलाई पिकअप पर ऐसा बुलाओ तो कहीं लेवा आली साहब पुणे साहब हल्लो जी अब आयो तो गड़बड़ है मामलो पर कहीं पौनिया मन जाए जोनिया करे साहब है एड़ी बात की नहीं। शंकर जी कोई मुंड मत कहां सा कभी कभी मौत हुए साहब। अच्छा, यूं? हां बिल्कुल। अच्छा, मतलब कोई किसान लपेटी जो अगर ज्यादा माल आउड हो जाए हल्ली आओ पे उन किसानों मारी पड़े साहब दे जानो पड़े किसान अटे नहीं तो घरो न गाड को मजबूरी है
भारत में भाव भी खाओ पौने आवेदन कैसे वो इतना दाम गियो इतना दाम गियो इत तो मोरी मोरी बोरिंग पड़ियो किसान के बस की बात है घरे पड़ियो कोई बोरी खाली करिया बजे भरना खाली करना पौने हमुंड हम जाको किसान कभी प्योर किसान कभी नहीं लपटी जे ठीक है जो मीडिएटर आता है थोड़ा बहुत वो लिपटे लपेटे में आ सकता है पर किसान कभी नहीं आता है लपेटे में और जो किसान दिगली के पास बैठता है तो ऑटोमेटिक किसान का 5 रुपया उन्हें मिल जाता है वो क्या किसान झाड़ू लिया खड़ा रहता है ठीक है उनको व्यापारी को पता है कि भाई ये किसान है ठीक है तो किसान को वैसे ही 5 रुपया ऊंचा मिल जाता है बाकी तो बेचने में आता मेडिटर आता है मेडिटर में कभी बहुत ऊंचा मिलता है कभी मेडिटर ने लपेट दो मेडिटर में भंग लपेट दो कहीं मोने लपेट तो मोरबो का मैं भी बात लपेट दो बल वैसा बराबर कर दो बराबर कर दो थे मान मेडिटर लागो किसान ऐसा ये लोग माल खरीदते हैं लेकिन क्या तेजी मंदी बहुत आ रही है अभी पिछले दिनों में 20-25 रुपए की तेजी आ गई वापस मंद भी आती है तो दोनों चलता रहता है तो ये किसान जो लेके आता है उसको भाव जो है यार जिला भी बोली से मिलता है पूरा भाव मिलता है वो कोई समस्या नहीं है उसके अंदर अब क्या है कि कई बार लगता है एनसीडीएस ऊपर गया तो बाजार ऊंचा चल जाता है दो दिनों से बाजार तेज है तो इनको लगता है बाजार तेज तो भाव इनको मिले ना 245-50 तक भाव भी केस में लेकिन अब जैसे डिमांड बोलते हैं कि साथ माल ज्यादा आने से कुछ नहीं होता है वो तो जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से डिमांड ही कम है तो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जोधपुर जिला मंडी में आज की आवक लमसम आज की 5000 बोरी के लगभग माल आया आज अच्छा दो दिनों से तेजी भी चल रही है सब मिला के 5000 बोरी के आसपास 2000-2500 बोरी सौंफ है 3000 बोरी के आसपास जीरा आ जाए सौंफ ऊंची कितनी बिकी ऊपर के अंदर 100 रुपए 110 रुपए तक बिकी बढ़िया कलर वाला माल 10000 तक 110 रुपए तक नीचे में 7000 से 8000 रुपए 7000 ये पैराडाइम चल रही वो तो कोई सौंफ के ऊपर है सौंफ का अगर किसान भाई जो है ग्रीन कलर है थोड़ा छाव में सुखा के लाए जो कलर है कलर के हिसाब से जो इसका पैरामीटर है वो कलर ही है बढ़िया कलर और साफ सुथरी होगी तो उसका भाव 110-120 रुपए तक बिकता है लेकिन जो हल्का माल है कचरा माल है तो वो नीचे में 5-6000 रुपए बिकेगा इस सब के भाव आज यहाँ 12000 से लेके ऊपर के अंदर 15000 रुपए तक बिका 12 से 15 दो दिनों में जीरा इस सब दोनों के अंदर तेजी चल रही 20 से 25 रुपए किलो की तेजी आ गई है तेजी आ गई दो इस हफ्ते के अंदर जीरा मैं ऊपर हूँ आज आज ऊपर के अंदर 250 रुपए तक गया बाजार 250 तक गया अच्छा आने वाले टाइम में क्या रह सकता है अंदाजा ये यही चलेगा 200 से लेके 225-230 रुपए के बीच में बाजार चलेगा अभी जैसे आवक का बोले तो आवक भी अभी बढ़नी नहीं है किसान भी धीरे धीरे बेच रहा है जैसे जरूरत है वैसे बेच रहा है अच्छा लेकिन यही बाजार है ज्यादा तेजी भी नहीं है तो ज्यादा मंदी भी नहीं है मतलब कभी 15-10 रुपए किलो बढ़ेगा कभी 10-15 रुपए किलो घटेगा लेवल चल रहा है मार्केट लेवल यही चल रहा है चुनावों के बाद में कुछ आसार है नहीं चुनावों का इसके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला जिले में कोई चुनाव जिले के ऊपर कोई नहीं एक्सपोर्ट बराबर चालू है एक्सपोर्ट चल रहा है एसेंशियल प्रोडक्ट होता है ना हाँ। तो भाई खाद्य पदार्थ तो है चना हुआ तेल हुआ इसके ऊपर तो गवर्नमेंट कंट्रोल होती है इसकी तो मसाला आइटम है इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं है गाँव में बात करें गाँव में किसान बात करें रिजल्ट आज है सरकार बने तो बढ़ सके भाव हम सरकार तो हम कहीं मतलब अगर बात ही करे जना पूरी बात ही बताओ हाँ पूरी बता बताओ कहीं आशा रखे किसान कहे यानी कि कांग्रेस सरकार आवे तो भावड़ा थोड़ा दा दिया मोदी साहब ऊपर किसान विरोधी है घणो कई साहब घणो भावड़ा गळे गोटियो ऊपर कांग्रेस सरकार आवे जीरो के ऊपर 30000 ऊपर बची लूटे अच्छा तो ये तो रह सके हां साहब अरे पूछे बताओ क्यों गांव आप रो सेव की कर लो सेव की कहीं ले रहे हैं जीरो कहीं भाव लिखियो किसानी रेट में खुश है कोनी है किसानी रेट खुश है कोनी कोनी कितो होना चाहिए भाव है भाव कितो होना चाहिए 30000 बारे जना किसान पड़ता खावे कितो कुंड लो भाव नीचा है मतलब जगह हिसाब पैदावार हुई मैं हिसाब पैदावार ही कम है पैदावार जी तो आको अभी तक कोनी पैदावार भी कम है भाव भी कम है ठीक है नहीं किसान तो नींद गोड़े ले ले नो जिए देख लो कहीं अंदाज लगा लो तो किसान नींद की गोली ले और बाण की नींद की गोली ले तो वो कौन करे बाप डर खर्चे ही एक होती यो तो देख लो कहीं हां अरे मन जो हम जावे को देख लो भगवान जावे को नहीं खर्चो देख तो भाव कम खर्चो देख तो कहीं खर्चो ज्यादा है भाव कम है अच्छा आप भी जरूर ले रहे हैं हाँ मैं सौंप लेना सौंप कहीं भाव सौंप रहा सौंप रहा हमारा 7230 लगा 7230 सौंप तो एकदम बोके जो धड़ाम नीचे आएगी की करे हाँ एकदम नीचे आना भाई किसान जो ही ज्यादा खेती करे तो नीचे आ जावे बाकी भाव बहुत धीमा हर फसल रहा अच्छा सौंप है तो किसान कहीं बात करे भाई तो डाउन आने की वजह कहीं है वजह या तो भाई केंद्र सरकार में चुनाव हो रही है भाव हो सके या आगे सरकार डिमांड नहीं कर रही है
किन की वजह है? अच्छा, किन की वजह है? सौंप का कहीं भाव है तो ठीक रहे, किसान कहीं आशा लगा सौंप रहा। अगर किसान भाई किसान संतुष्ट रहे, व्यापारी संतुष्ट रहे, तो सौंप रहा 10,000 प्लस रहे, दम सही 10,000 प्लस रहे तो सही है। आम आदमी 10,000 प्लस सौंप बिके तो भाव ठीक। सब नाम कहें आपका? हमारा नाम कौर आराम जाकर। तो दोस्तों ये थी जोधपुर जीरा मंडी, और जीरा मंडी के अंदर आए हुए किसान और व्यापारियों की जो क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, किस प्रकार के भाव रह सकते हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के भाव देखने को मिल सकते हैं, और साथ में ही कितनी आवक है जोधपुर जीरा मंडी के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं वो इस प्रकार बनाए रखें। मैं फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।